नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल जाट निर्विरोध निर्वाचित हुए। जाट चौथी बार अध्यक्ष पद पर चुने गए। अध्यक्ष चुने जाने पर जाट के समर्थकों ने उन्हें साफा पहनाकर स्वागत किया। चुनाव में पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल जाट, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल, कुलापुरा नगरपालिका पूर्व चेयरमैन चेतन पेशवानी और याकूब मोहम्मद भी मौजूद रहे। डेयरी चुनाव निर्वाचन अधिकारी नानालाल चावला ने कहा कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव में रामलाल जाट को निर्विरोध चुने गए। इसके साथ ही सभी संचालक मंडलों को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। नवनिर्वाचित डेयरी चेयरमैन विधायक रामलाल जाट ने कहा कि हमारा प्रथम लक्ष्य पशुपालकों का ख्याल रखना रहेगा। भीलवाड़ा में राजस्थान के अन्य फेडरेशन की तुलना में पशुपालकों को दूध की अच्छी रेट दी जा रही है। हम आगामी दिनों में जिले की प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक नंदी गौशाला खोलेंगे। नंदी गौशाला खुलने से पालतू जानवर भीलवाड़ा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में नहीं घूमेंगे। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। अध्यक्ष पद का निर्वाचन कार्यक्रम था, उसमें श्री रामलाल जी जाट का एक फॉर्म आया है नॉमिनेशन, जिसे उनको निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। संचालन मंडल का निर्वाचन कल निर्विरोध हो चुका था और सबको आज निर्वाचन का सर्टिफिकेट मुझे चौथी बार किसानों ने चुना है। आपने देखा होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट में और पंचायत राज में घेर राजनीतिक संगठन रखा था, लेकिन कुछ बीच में दूसरी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के हैं या और भी कई संगठन हैं, जिन्होंने इसमें राजनीति घुसाने की कोशिश की, चाहे कोऑपरेटिव एक्ट को तोड़ने की कोशिश भी की। तो मैंने जब से डेयरी मूवमेंट संभाला तब से इसको घेर राजनीतिक रखने की कोशिश की है, रख रहा हूँ। इसी के परिणाम से मुझे चौथी बार जीतने का मौका मिला, जिसमें सबका सहयोग था। जो नीचे के लोग इसको घेर राजनीतिक समझते हैं, उन लोगों को, बाकी हम पहली मीटिंग में वो निर्णय लेंगे। जो स्पर्श ट्रस्ट, जो हमारा डेवलपमेंट है डेयरी का, जो CSR की हमारी योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजना किस पशुपालकों के लिए, उसमें हम नॉमिनेट कुछ मेंबर 6-7 जो भी हमारे नियम बने हुए उसके आधार पर करेंगे। पहली मीटिंग में जो हमारे ट्रस्ट के जो बोर्ड नॉमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद हमने वो चीजें पहले मीटिंग में पिछली बार की वैल्यू एडेड जो चीजें हैं वो चीजें बनेगी तो किसान को हम रेट ज्यादा दे पाएंगे और उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध करा पाएंगे। आज शहर में जैसे मिलावट में कई चीजें, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, TB जैसी बीमारियां जो हो जाती है, तो बच्चे, तो हमने रूरल मार्केट, जो ये भी एक नया मॉडल है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यह खुद देखने को आ रही है कि भाई ये रूरल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र भीलवाड़ा जिला छोटा जनसंख्या का आधार, हमने नई चीज हमारी टीम ने, अधिकारियों ने शुरू की है, जो हमारे प्रोडक्ट को पहला मार्केट, हमारे ट्रांसपोर्टेशन का कम खर्चा होता है और हम हमारे ही जिले में इसको मोटिवेट करके लोगों को दें। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर सर्वाधिक वेट लगाने के विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन राजस्थान के आह्वान पर भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर सांकेतिक हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। भीलवाड़ा जिले के साथ ही शहर में सभी पेट्रोल पंप बंद रहे, जिसके कारण पेट्रोल भरवाने वाले लोगों को गाड़ियों को धक्का लगाकर अपने घर तक ले जाना पड़ा। जिले में शनिवार को करीब 200 पेट्रोल पंप बंद होने के कारण 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होगा। भीलवाड़ा पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र नाहर ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा जो पेट्रोलियम पर वेट दर बढ़ाई गई थी, जिसके कारण यहां पर पेट्रोल की बिक्री पर काफी असर देखने को मिला है। इससे अब पेट्रोल पंप संचालकों को काफी नुकसान हो रहा है। हमारी मांग है कि वेट को कम करके जनता को राहत प्रदान की जाए। यदि वेट कम होगा तो बिक्री भी बढ़ेगी, जिससे कम किए गए वेट की भरपाई भी हो जाएगी। भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर्स सोसायटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि जिले के करीबन 200 पेट्रोल पंप बंद है, आवश्यक सेवाओं को पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, पर आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल पंप बंद है। पड़ोसी राज्यों के बराबर राजस्थान में भी वेट हो जाए तो सभी को फायदा होगा। कोविड के समय में जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वेट बढ़ाया गया था, उस कारण से राजस्थान राज्य में डीजल की बिक्री बहुत कम हो गई है और डीजल की बिक्री कम होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में भी कमी आई है। हम राज्य सरकार को ये आश्वस्त करते हैं कि अगर वेट कम हुआ तो पूरे राज्य में वापस डीजल की बिक्री बढ़ेगी और डीजल की बिक्री बढ़ेगी तो राज्य सरकार को भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
और जनता को भी राहत मिलेगी। जो बढ़े हुए भाव हैं आज, और पेट्रोल पंप व्यवसायी जो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो चुका है, वो भीलवाड़ा ज़िले के मैं बात करूं तो कम से कम 50% पंप वाले नुकसान में हैं, उनको भी परिवार पालने के लिए वापस राहत मिलेगी। अतः राज्य सरकार से यही निवेदन है कि वेट कम करके सबका भला हो जाए। हाँ सर, आज भीलवाड़ा ज़िले के शहर समेत तकरीबन 150 से 200 पंप जो हमारे हैं वो तकरीबन पूर्णतः बंद है, सिवाय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। आवश्यक सेवाओं में हम लोग पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, चुनाव और जो भी चुनाव जो हमारा साढ़ा उपचुनाव हो रहा है उसके लिए आवश्यक जो भी है वो कूपन से हम डीजल पेट्रोल दे रहे हैं। दूसरा, हमारे भीलवाड़ा के जो आसपास सटे हुए प्रदेश हैं जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी दरों में कमी है क्योंकि वहाँ उस स्टेट में उस राज्य में वेट में कमी है। और हमारे यहाँ खनन उद्योग होने से ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं गुजरात मोरवी की तरफ जाती है, तो हम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान, माल तो हमारे यहाँ से ज़्यादा है, गाड़ियाँ हमारे यहाँ से भरी है लेकिन वो डीजल गुजरात से ले रही है, तो इसमें प्रदेश का हमारे साथ साथ प्रदेश का भी बहुत बड़ा एक राजस्व का नुकसान है। तो हमारी मांग यही है कि जो गुजरात मध्य प्रदेश और हमारे दूसरे सटे हुए राज्य जैसे पंजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जो वेट के जितने भी वेट जितना लागू है वही राजस्थान में लागू किया जाए ताकि हमें भी यहाँ पर राहत मिले और सबसे बड़ी बात जनता को यहाँ पर राहत मिले। मूल्य मतलब एक समान रहना चाहिए, इसी मांग को लेके बंद है। और जो आपातकालीन सेवा है जैसे एम्बुलेंस है कोई है तो उसके लिए हम सेवा के लिए तत्पर हैं। मांडल में विगत 408 वर्षों से गांव में नाहर नृत्य उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जो गत वर्ष से ही मेवाड़ लोक कला केंद्र मांडल के द्वारा मनाया गया। साथ ही कोविड 19 की पालना करते हुए वे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यक्षिणी माता मंदिर, शेष सहाय धाम बड़ा मंदिर में नीलखंड महादेव के अंदर नृत्य किया गया। मांडल ग्राम वासियों का ऐसा मानना है कि नरसिंह रूप में बने नाहर घरों घरों में नृत्य करने से ऐसा मानना है कि शारीरिक पीड़ा है, मानसिक तनाव, सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन मांडल ग्राम वासियों के जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार को सभी इस पर्व पर मांडल बुलाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि मांडल ग्राम वासियों के लिए दीपावली के त्योहार से भी ज्यादा माना जाता है। वहीं पूर्व मंत्री किसान केसरी मांडल विधायक व भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन वर्तमान रामलाल जाट के सुपुत्र अंकित चौधरी भी नाहर नृत्य देखने पहुंचे। वे नाहर बनने वाले कलाकारों के नाम राजकुमार तड़बा, भवनलाल माली, कन्हैयालाल टेलर, जितेंद्र माटोलिया, फिरू माली, कालू माली, रामलाल माली, पीरू माली। वहीं रंग तेरस पर सुबह से ही टोलियां बनाकर पूरे गांव में घूमते हुए होली खेली। वहीं तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार अजय सिंह को होली खिलाकर नाहर नृत्य में आने का निमंत्रण दिया। प्रशासन मुस्तैद दिखा, जिसमें उपखंड अधिकारी डॉ पूजा सक्सेना, एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा, रायला थानाधिकारी गजराज चौधरी उपस्थित थे। भाजपा के स्टार प्रचारक, सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में ग्राम बांगण में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश के हालात दयनीय हैं, महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, अपराधियों में पुलिस का भय भी खत्म हो गया है। यह उपचुनाव प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों और कुशासन के खिलाफ जवाब देने का चुनाव है। केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए सांसद दिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा राम मंदिर बनाने के साथ ही धारा 370 हटाने के जो ऐतिहासिक कार्य किए गए उन कार्यों पर भी मुहर लगाने का अवसर है। स्टार प्रचारक दिया कुमारी ने सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ रतनलाल जाट के समर्थन में विभिन्न जनसभाओं के साथ जनसंपर्क करते हुए 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि सहाड़ा में अनुभवी व्यक्तित्व डॉ रतनलाल जाट को विजय बनाए, उन्हें अच्छे वोटों से जिताकर रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि तीनों ही उपचुनाव में कौन सी सीट पर ज्यादा वोट मिले इसकी होड़ मची है। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि ग्राम
बागड़ के बाद टूंगच, खेमाणा, जोगरास और नानसर में भी जनसंपर्क किया। इस अवसर पर ठाकुर मूल सिंह, पर्वत सिंह, गोवर्धन सिंह गुजर, प्रभुनाथ, मांगीलाल जाट, पूर्व प्रधान सुमेर सिंह, अमर सिंह, दीप सिंह, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष विमला देवी, सरपंच सुखी देवी, श्री किशन, मानवेंद्र सिंह कुड़की, अजय सोनी, नरेश जोशी, सहाड़ा के भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आमजन उपस्थित थे। बिल्कुल भी नहीं, अगर इनको कोई भी काम करने होते तो इनके पास 2.5 साल थे ना, उन 2.5 सालों में इन्होंने क्यों नहीं कुछ काम किया। और मैंने जैसे आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी प्यासे को पानी तक ले जाएगी, लेकिन प्यासे को पानी नहीं पीने देगी, उसको हमेशा प्यासा रखेगी। गरीब को भी सपने दिखा देगी लेकिन कभी उसकी गरीबी दूर नहीं करेगी। या और हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हर योजना भी ऐसी बनाते हैं जिससे कि हर एक व्यक्ति को उस योजना का फायदा मिले, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेटियां हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए योजना बनाई है। और आज भी जल जो मिल रहा है, साफ सुथरा पानी मिल रहा है, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव में साफ पानी, मीठा पानी पहुंच रहा है, वो योजना भी धरातल पे उतर चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं जो हमने उनका उद्घाटन कर दिया। ये तो ऊपर से पैसा है केंद्र सरकार से, जितनी भी योजना पीएम आवास योजना में नंबर वन जिला है राजस्थान, ये कहाँ से काम हुआ? हमारा काम तो दिखता है ना, गोमती से ब्यावर फोर लेन का काम शुरू होने वाला है। हम लोग तो वादे नहीं करते, हमारे अभी मेरे अभी 2 साल हुए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में, 2 साल और उनके 2.5 साल, ये बता दें इन्होंने क्या काम किया। और जैसे मैंने बताया, इनका जो विधायक है उसके भी काम किए लेकिन वो काम भी धरातल पे नहीं नजर आए। ये सारी बातें इनकी इनकी कांग्रेस हमेशा चुनाव के समय घोषणाएं करती है और वादे करती है, अगर या तो फिर जनता उनको मान ले। लेकिन पिछले 2 साल 2.5 साल पहले जब विधानसभा के समय भी उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, उसमें से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं की। राजसमंद में जो राजसमंद झील की बात करें या और किसी विकास की बात करें, उसमें मैं और किरण जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कर रहे थे, लेकिन वहाँ ये जो राजस्थान सरकार के माध्यम से जो जितनी भी सैंक्शंस आनी थी वो ये कभी भी नहीं करते थे। क्या करते थे? DMFD का पैसा 750 करोड़ लगभग, वो पैसा, उस पैसे में से भी आधा पैसा ये लोग जयपुर ले गए, उस पैसे पे पूरा का पूरा राजसमंद की जनता का हक है। और उसमें से भी जो काम उन्होंने स्वीकृत किए हैं वो सिर्फ अपने ही पार्टी के विधायकों के जो काम है वही स्वीकृत किए हैं, जो मैंने, किरण जी ने या कुमारगढ़ विधायक ने जो भी काम दिया है वो उनका, उसकी सैंक्शन उन्होंने नहीं निकाली। तो इस तरह की जो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, ये जो नाइंसाफी कर रहे हैं राजसमंद की जनता के साथ, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जनता राजसमंद की, सहाड़ा की और सुजानगढ़ की इनको सबक सिखाएगी इस चुनाव में कि जो कर रहे हैं इन्होंने बहुत गलत किया और उसका इनको नतीजा परिणाम दिख जाए। सहाड़ा उपचुनाव को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में गंगापुर जाते समय पूर्व मंत्री एवं अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने भिलवाड़ा के निजी होटल में चाय पर चर्चा करते हुए बताया कि राजस्थान के तीनों उपचुनाव की सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। उन्होंने कांग्रेस को बड़ाबंदी में एक्सपर्ट सरकार बताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य आसाम के विधायकों की बड़ाबंदी राजस्थान में की जा रही है, जो सरासर गलत करार दिया। उन्होंने चाय पर चर्चा करते हुए प्रेस को बताया कि सरकार ICU पर चल रही है, उपचुनाव के बाद कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि गंगापुर से सहाड़ा जाते हुए भिलवाड़ा के कुछ समय के लिए देवनानी रुके, उनके गंगापुर में दोपहर प्रेस से रूबरू कार्यक्रम होगा, साथ ही 5:30 बजे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट के साथ कई नुक्कड़ सभाएं आयोजित हुई। भिलवाड़ा से सहाड़ा जाते हुए भाजपा जिला महामंत्री मुरलीधर जोशी, गोपाल सोनी व अन्य पदाधिकारियों ने उनका भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया। आज की जो वातावरण है, तीनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, उसके बाद राजस्थान में उथल पुथल होगी। मुझे लगता है कि आगामी 3-4 महीने में राजस्थान की सरकार बदलाव की ओर बढ़ रही है, इनकी जो अंतःकलह है उससे सरकार ताश के महल की तरह बुरी तरह गिर जाएगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पिछले दिनों राजस्थान का शासन चला रहे हैं और अभी तो हद कर दी, पहले तो इनको महिलाओं की चीखें और कराह सुनाई नहीं देती थी और अब इनको पुजारियों की भी आह लगने जा रही है, क्योंकि भू माफियाओं के चंगुल में इनका प्रशासन चल रहा है, जिसके कारण एक पुजारी को तो उन्होंने जला करके मार डाला, दूसरे पुजारी को इतना दोसा के उन्होंने परेशान किया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जिसका शव मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर पड़ा है, वह 8 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है कि उसका दाह संस्कार किया जाए, लेकिन ये सरकार क्रूर है, ऐसी क्रूर सरकार को निश्चित रूप से जनता मुंह तोड़ उत्तर देने जा रही है। सर, असम के MLA भी यहाँ आए हैं? सर,
अशोक गहलोत जी की सरकार मुझे लगता है कि यहाँ पर बाड़ेबंदी के सिरमौर बन गई है और ये खुद एक रिंग मास्टर बन गए हैं। पहले इन्होंने यहाँ पर कर्नाटक से लाए, मध्य प्रदेश से लाए, गुजरात से लाए, लेकिन तीनों जगह इनकी बाड़ेबंदी किसी काम नहीं आई। अब जो आसाम से लाए हैं वह भी मैं समझता हूँ इनके बाड़ेबंदी किसी काम नहीं आएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर स्थित गुड़ला में शुक्रवार को सायंकाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सहाड़ा रायपुर हमीरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस ने जनता को लुटेरे जैसे कार्य किए हैं, किसानों के हितों की रक्षा नहीं की। किसानों के लिए मैंने सत्तारूढ़ गठबंधन से किसानों के लिए हटा। भाजपा कांग्रेस ने लोकतंत्र की विचारधारा पर निर्दलीय प्रत्याशी से दबाव बनाकर फार्म उठाया तो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए एक्ट बनाने की मांग की। बेनीवाल ने कोशीतल, सहाड़ा, बुनास, कारोई कला, गुड़ला, मोमी, गाडरमाला, बड़ोद, हमीरगढ़ क्षेत्रों में बद्रीलाल जाट के समर्थन में रैली व सभा की। गुड़ला में आरएलपी में कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की और समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े पिछले जी 30,000 वोट लिए और अब की बार इनको लगा होगा कि अब की बार जीत नहीं जाए, फिर तो टिकट की बात करके पार्टी ज्वाइन कराई और फिर टिकट भी काट दिया और फार्म भरा तो उनके कामकाज ठप कराने की बात करके उनको डराया और कांग्रेस ने भी उनका साथ नहीं दिया। कांग्रेस से कहा कि अब आप ज्यादा मत करना, नहीं तो राजस्थान मामा आपको तंग करेंगे। फार्म उठाने के बाद व्यक्ति अपने घर बैठ गए। ये लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है, ये स्वच्छ परंपरा नहीं है और उनकी इच्छा थी कि दोनों पार्टियों को सबक मिले। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर दे रही है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान एवं जिला चिकित्सा एवं सामाजिक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कोविड वैक्सीन शिविर हेड पोस्ट ऑफिस से शांति भवन में समापन हुआ। यह जानकारी देते हुए मंडल के अध्यक्ष हेमंत बाबेल व मंत्री मनीष सेठी ने बताया कि शिविर के दूसरे दिन शनिवार को वैक्सीन लगाने के लिए आमजन में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला, जिसे देखते हुए शिविर 2 घंटे का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया गया। शिविर में 101 वर्षीय रतन देवी खाबिया ने टीकाकरण कर सभी आमजन के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। मंडल के मीडिया प्रभारी मनीष बम व सेवा रत्न प्रमोद सिंघवी ने बताया कि 2 दिवसीय शिविर में कुल 700 से अधिक टीकाकरण हुए। भवन में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जिसमें टीकाकरण करने के पश्चात आमजन ने अपनी फोटो ली। मंडल उपाध्यक्ष पुखराज चौधरी, सहमंत्री अतुल बापना, कोषाध्यक्ष राकेश सिंघवी, शिविर संयोजक मोहित बुच्चा, संदीप लोढ़ा, अर्पित कोठारी, सह संयोजक गौरव सुराणा, अर्पित चौधरी, रौनक खमेसरा, रोहित डांगी, गौरव तातेड़, दिलीप चौधरी, प्रिंस काठेड़, साहिल पिपाड़ा, राजकुमार बाबेल आदि ने सेवाएं दी। हम यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों और ये सर्व समाज के लिए इसलिए कहा गया कि शांति भवन सिटी के बीच नज़दीक पड़ता है सेंटर और अधिक से अधिक हमें अनुग्रहित करें और इसके बारे में जो कोरोना चल रहा है अभी उससे इससे तक निजात मिले और इससे कभी आप डरे नहीं, आप सुरक्षित हो और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना वायरस के दूसरी लहर के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए बीएसएल प्रबंधन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वरूपगंज, द गार्डन माला और स्नेह समर्पण फाउंडेशन भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में कोविड 19 टीकाकरण शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस टीकाकरण शिविर को सफल बनाने में स्नेह समर्पण फाउंडेशन से मोनिका गर्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर मनोज कुमार यादव एवं जितेंद्र कुमार तथा उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। इस टीकाकरण शिविर का शुभारंभ कंपनी के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा शुभारंभ कार्यक्रम में अशोक मेहता, परमजीत सिंह फोगाट, एचपी माथुर एवं रामदयाल जाट उपस्थित रहे। कारखाना के वरिष्ठ प्रबंधक रामदयाल जाट ने बताया कि 9 व 10 अप्रैल को लगाए 2 दिवसीय शिविर में कुल 330 श्रमिकों एवं कर्मचारियों ने टीका लगवाया। कोविड 19 के टीकाकरण शिविर को सफल बनाने में बीएसएल टीम से अशोक मालू, राम मिलन सिंह, खान मोहम्मद, योगेंद्र सिंह राठौर, गोविंद सिंह, उमेश तादीज, घनश्याम प्रजापत, गणेश जोशी, देवराज तेली, श्याम सिंह राठौर, गोपाल सिंह, रामराज मीणा, मनोज सोनी एवं प्रदीप सिंह का विशेष सहयोग रहा। कोरोना वायरस के दूसरी लहर के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए बीएसएल प्रबंधन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वरूपगंज, द गार्डन माला और स्नेह समर्पण फाउंडेशन भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में कोविड 19 टीकाकरण शिविर का आयोजन
शुक्रवार को किया गया इस टीकाकरण शिविर को सफल बनाने में स्नेह समर्पण फाउंडेशन से मोनिका गर्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर मनोज कुमार यादव एवं जितेंद्र कुमार तथा उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। इस टीकाकरण शिविर का शुभारंभ कंपनी के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा शुभारंभ कार्यक्रम में अशोक मेहता, परमजीत सिंह फोगाट, HP माथुर एवं रामदयाल जाट उपस्थित रहे। कारखाना के वरिष्ठ प्रबंधक रामदयाल जाट ने बताया कि 9 व 10 अप्रैल को लगाए 2 दिवसीय शिविर में कुल 330 श्रमिकों एवं कर्मचारियों ने टीका लगवाया। कोविड-19 के इस टीकाकरण शिविर को सफल बनाने में BSL टीम से अशोक मालू, राम मिलन सिंह, खान मोहम्मद, योगेंद्र सिंह राठौर, गोविंद सिंह, उमेश तादीज, घनश्याम प्रजापत, गणेश जोशी, देवराज तेली, श्याम सिंह राठौर, गोपाल सिंह, रामराज मीणा, मनोज सोनी एवं प्रदीप सिंह का विशेष सहयोग रहा। राजसमंद देवगढ़ में आयोजित 6 से 7 अप्रैल तक आयोजित राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल का मुख्य खिताब अंकिता वैष्णव के नाम रहा। प्रशिक्षक जगदीश चाट ने बताया कि राजस्थान केसरी, राजस्थान कुमारी व राजस्थान किशोरी तीनों खिताब भिलवाड़ा केसरी नंदन व्यायाम शाला के नाम रहे। चाट ने बताया कि राजस्थान केसरी में अंकिता वैष्णव ने जयपुर की सुमन को हराकर केसरी खिताब जीता। आयोजन समिति द्वारा 21,000 रुपए नकद व चांदी की गदा व पट्टा पहनाकर पहलवान को सम्मानित किया गया और साथ ही महिला राजस्थान कुमारी का खिताब माया माली के नाम रहा। माया ने गीतिका विश्नोई को हराकर कुमारी पहलवान को समिति द्वारा 11,000 रुपए नकद व विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई। केसी नंदन व्यायामशाला की ही महिला पहलवान कविता माली ने चंचल कुमारी को हराकर राजस्थान किशोरी का खिताब अपने नाम किया। समिति द्वारा 7,100 रुपए नकद व विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पुरुष वर्ग में राजस्थान किशोर का खिताब कारण कुमार ने जीता। पहलवान 7,100 रुपए नकद व विजेता ट्रॉफी व पट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। 4 विजेता पहलवानों के खिताब जीतने पर व्यायामशाला के संचालक रतन पहलवान का आयोजन समिति द्वारा साफा बंधवाकर सम्मान किया गया। प्रशिक्षक जगदीश चाट ने बताया कि 6 टाइटल में से 4 राजस्थान टाइटल टंकी बालाजी के केसरी नंदन व्यायामशाला के नाम रहे। इस अवसर पर केसरी नंदन व्यायामशाला के संरक्षक राधेश्याम बहेड़िया को नगद पुरस्कार प्रदान किया और टंकी के बालाजी समिति के अध्यक्ष सुबालाल जाट, पार्षद धर्मेंद्र पारिक, नंदराम जाट, अरुण शर्मा, सचिव नारायण जाट, कुश कुमार, छोटू माली, राजकुमार बबलू, राकेश व बालचंद ने सभी विजेता पहलवानों व प्रशिक्षक को बधाई दी व उज्जवल भविष्य की कामना की। इस वक्त हम मौजूद हैं टंकी के बालाजी स्थित व्यायामशाला के अंदर, जहां पर इनके प्रशिक्षक जगदीश जाट है। इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप इन जो बेटियां हैं इनको आप तैयार करते हैं और किस प्रकार जब ये आज भिलवाड़ा का नाम रोशन करके आई तो आज एक एज ए प्रशिक्षक के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, पर महसूस तो हम सभी जैसे कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि जब बेटियां पर जो हमारे मतलब 7 टाइटल हुए थे जिसमें से मतलब 4 टाइटल भिलवाड़ा के नाम रहे, राजस्थान केसरी, एक राजस्थान कुमारी और राजस्थान किशोरी का खिताब और एक राजस्थान किशोर का खिताब भी इन बेटियों ने जीता है। जो सबसे जो बड़ा खिताब था और राजस्थान केसरी का अंकिता वैष्णव ने जीता, उससे जो छोटा जो खिताब था कुमारी का वो माया माड़ी ने जीता, उससे जो छोटा एक और जो टाइटल था वो किशोरी का वो कविता माड़ी ने जीता है। और इनका सुबह शाम का जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है ये बच्चियाँ अच्छे तरीके से उसको फॉलो करती है। सुबह शाम ये आते हैं अपना जैसे मतलब जो ये जो टाइटल हुआ था ये गद्दे का टाइटल हुआ था और ओलंपिक के नियमों के अनुसार हुआ था। तो एक पहले यूँ होता था जैसे भाई कि ये सारे दंगल वगैरह हरियाणा में हुआ करते थे, पर आजकल हमारे राजस्थान में भी मतलब होने लगे और बच्चों को जैसे भाई नेशनल लेवल के लिए इन दंगलों का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एक तरह से हम मान के चल सकते हैं कि ये बच्चों के लिए एक ये संजीवनी बूटी है। बिल्कुल। तो और हम यहाँ की जो महिला पहलवान, इनसे जानना चाहते हैं अंकिता से कि आज उन्होंने जिस प्रकार राजस्थान केसरी खिताब जीता है आगे का उनका क्या रहेगा और आज राजस्थान केसरी का खिताब जीतकर उनको कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राजस्थान केसरी का खिताब जीतकर। हमारे कोच साहब वगैरह सब ने बहुत मेहनत कराई थी। क्या खिताब मिला और क्या आगे की तैयारी है? मुझे राजस्थान किशोरी का खिताब मिला है, अब हम आगे बढ़कर नेशनल में मेडल जीतना चाहते हैं। ठीक। और हमारे साथ मौजूद है माया माली, है ना, इनसे जानना चाहते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप खिताब जीतकर और कौन सा खिताब आज आपने जीता है? मैंने राजस्थान कुमारी का खिताब जीता है। मेरा नाम माया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये टाइटल जीत के। आगे की क्या तैयारी है, आगे कौन सा अचीवमेंट लेना चाहेंगे आप? मैं आगे राजस्थान केसरी का वो लेना चाहती हूँ।
खिताब। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान केसरी अंकिता मल्लिक के पिता, जिनको आज शायद बहुत ही गर्व महसूस हो रहा होगा कि आज बेटी ने नाम रोशन किया, क्या महसूस करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर बताएं। बहुत बढ़िया मानता हूँ मैं इसको। भिलवाड़ा में बेटियों की जो प्रैक्टिस होती है टंकी के बालाजी केसरी नंदन रामशाला में, बहुत अच्छी यहाँ पे तैयारी करवाते हैं यहाँ के प्रशिक्षक, और यहाँ पे जो उस्ताद खलीफा लोग हैं बहुत अच्छी यहाँ पे तैयारी करवाते हैं, और बेटी के राजस्थान केसरी खिताब जीता, ये मतलब बहुत खुशी का है, मतलब एक पल है हमारे लिए, और इसने जो भिलवाड़ा का मान बढ़ाया आगे भी इसी तरह से ये भिलवाड़ा के लिए और मेडल जीतती रहेगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जिस प्रकार भिलवाड़ा नाम रोशन कर, इनके साथ मिलकर जो और भी जो पहलवान यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो भी आगे चलकर देश में और प्रदेश में भिलवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 एसी फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। वेलकम टू मालू हॉस्पिटल, भीलवाड़ा बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर विद 24/7 अवेलेबिलिटी, हाईटेक एक्सरे इक्विपमेंट्स, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आईसीयू विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हाईली क्लासिफाइड सर्जन्स, फैसिलिटेटेड फिजियोथेरेपी सेंटर, हाइजीनिक जनरल वार्ड, एयर कंडीशन डिलक्स एंड सुपर डिलक्स रूम। A16 फ्रंट ऑफ महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क पायल्स बगंदर फिस्टूला शिविर, हर माह की 15 तारीख, पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण, हर माह की 16 तारीख, क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण, स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा, आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RCVS कॉलोनी भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते भिलवाड़ा के निर्देशानुसार मानलगढ़ में जॉइंट एनफोर्समेंट टीम के द्वारा COVID-19 के गाइडलाइन की अवहेलना पाए जाने पर 37 व्यक्तियों से 7,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया, साथ ही 5 दुकानें सील की गई, जल सप्लाई की गाड़ी भी सीज की गई। उक्त कार्यवाही उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी साबिर हुसैन, थानाधिकारी मानलगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा की गई। शाहपुरा नगर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रजत जैन ने राजसमंद में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन से मुलाकात की। माकन ने जैन से शाहपुरा में नगर कांग्रेस व युवक कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के साथ युवाओं को अधिकाधिक कांग्रेस से जोड़ने को कहा। माकन ने जैन को शाहपुरा क्षेत्र में वन बूथ 10 यूथ योजना के तहत कार्य करने व कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करने को कहा।
माकन से मुलाकात करने के बाद उत्साहित रजत जैन ने बताया कि शाहपुरा नगर में कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ वन बूथ टेन यूथ योजना पर शीघ्र ही कार्य कर राष्ट्रीय महासचिव को रिपोर्ट भेजी जाएगी। क्षेत्र के निकटवर्ती पीपली गांव में चोरों ने उत्पात मचाकर घर में चोरी का अंजाम देकर जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। महिला के गले से रामनामी मांडलिया काट लिया, जिससे चोरों के भय से गांव में दहशत फैल गई। पीपली निवासी हीरालाल माली ने बताया कि गांव में बीती रात्रि 12 बजे के आसपास चोरों ने पीपली गांव में पीहर में मां का निधन हो जाने से शोक जताने आई महिला के गले से रामनामी मांडलिया सहित जेवरात काटकर भाग छूटे। पीपली निवासी राजूलाल गाड़ी ने बताया कि रुकमा देवी की माता का निधन हो गया था। बहन रुकमा देवी ससुराल साडास गांव से पीहर में शोक जताने आई हुई थी। घर में सो रही बहन रुकमा देवी के गले पर चोरों ने चाकू रखकर गले में पहने सोने के गहने काटने की कोशिश की, जिससे बादाम देवी की नींद खुल गई। साथ ही चोरों ने डराया धमकाया, इससे महिला रुकमा देवी डर गई और चुपचाप सोती रही। महिला के गले में पहने सोने के जेवरात दो तोला मांडलिया रामनामी काट लिए। गांव में चोरी की घटना को लेकर सरपंच जगदीश चाट ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मैं जाप्ते के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चोरों की वारदात को लेकर आसपास के गांव में नाकाबंदी कर संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। XBHP ग्रुप के डायरेक्टर संदीप कुजर और उनकी टीम कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए संपूर्ण भारत में यात्रा करते हुए भिलवाड़ा में पधारे। इस उपलक्ष्य में संदीप बाइकर्स टीम का स्वागत भारत विकास परिषद और परिवहन विभाग भिलवाड़ा ने किया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में महेश पारिक, संदीप, अंकिता अरोरा ने अपने विचार व्यक्त किए। बाइक चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका बाइक राइडर्स को मैसेज दिया। भारत में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में किस तरह से कमी लाई जा सकती है, इस पर विचार किया गया। जन जागृति की गई। टीम BHP ने भिलवाड़ा के विभिन्न मार्गों पर बाइक द्वारा रैली निकालकर मैसेज दिया। अंत में भारत विकास परिषद केसरी राठ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य के साथ इकाई अध्यक्ष ललिता गुजर के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मोनू गुजर ने बताया कि COVID-19 के चलते हमें अपने घर के पास या किसी भी खाली स्थान पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिले। इस दौरान लक्ष्मी कंवर, ममता कंवर, प्रियांशी झंवर, कृष्णा सैन, पिंकी गाडरी, मोनिका, खुशबू, अंकिता, नीतू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुक्रवार को नमाज से ठीक पहले जामा मस्जिद व तकिया मस्जिद के बाहर सड़क पर महंत नरसिंहानंद के छाया चित्रों को सड़क पर चिपकाने के मामले को लेकर शनिवार को नगर के हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस थाने पहुंच पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह को थाना अधिकारी हरीश सांखला के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि जहाजपुर नगर में सांप्रदायिक द्वेष फैलाने व हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काकर दंगा कराने की नीयत से मुस्लिम समाज की जामा मस्जिद व तकिया मस्जिद के बाहर सड़क पर हिंदू धर्म, संस्कृति व आस्था के प्रतीक महंत यति नरसिंहानंद के छाया चित्रों को सड़क पर चिपकाकर उन्हें अपमानित करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। ज्ञापन में महंत नरसिंहानंद के छाया चित्रों को अपमानित करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की और बताया कि 24 घंटे में अगर प्रशासन द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हिंदू समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री कैलाश महावर, ओम प्रकाश स्वर्णकार, दामोदर शाह, शशिकांत पत्रिया, महेंद्र मीणा, अक्षत पत्रिया, जितेंद्र तेली आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।